नमस्ते दोस्तों, तो लीजिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक पौष्टिक रेसिपी थाली प्लेट, जो हेल्दी होने के साथ साथ स्वाद में भी बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इन सभी अनाज को हल्का रोस्ट कर चक्की पर पिसवा लिया था। इसकी मात्रा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चेक कर लेना। सबसे पहले हम थाली प्लेट का आटा लेंगे। परात में 3 कप ये है हिमाचली लहसुन, मैंने इसकी 8-10 कलियाँ ली। आप नॉर्मल लहसुन के 15-20 कलियाँ ले सकते हैं जो पतली हो तो। 10 से 12 हरी मिर्च लेंगे और 1 टीस्पून जीरा लेकर मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। 2 मीडियम साइज प्याज छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, हरा धनिया काट लेंगे। इन सभी को आटे में मिक्स कर लेंगे। मेरे पास सूखी मेथी थी, आप फ्रेश मेथी डाल सकते हैं या कसूरी मेथी भी 2 टीस्पून डाल देंगे। हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, तेल 3 से 4 टेबलस्पून। आपको जो भी सब्जी पसंद है आप उन सभी को इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। 1 गाजर ग्रेट कर डाला है। इन सभी सामग्री को मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। हम आटे को गूंथ लेंगे। यहाँ हमें आटे को थोड़ा लचीला गूंथना है, जिससे हम हाथ की सहायता से स्प्रेड कर सकें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और लचीला आटा गूंथ लेना है हमें। यहाँ पाटे पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है और उसे पानी से हल्का गीला कर लिया है। आटे से 1 लोई लेकर हल्के हल्के हाथों से उसे गोल गोल फैला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हमें लोई को फैलाना है। पानी लगाने से आटा अच्छी तरह स्प्रेड होता है और फैलता है। थाली पीट के बीच हम छेद कर लेंगे। अब हल्के 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 से कपड़े को उठाकर गरम तवे पर रख देंगे। थाली पीट या रोटी तवे पर चिपक जाएगी और कपड़ा आसानी से हट जाएगा। थोड़ा थोड़ा तेल या घी डालकर रोटी या थाली पीट को क्रिस्पी रोस्ट कर लेंगे। थाली पीट में बने छेदों में तेल डालने से थाली पीट अच्छे से सिकती है और क्रिस्पी होती है। देखिए हमारी थाली पीट बनकर रेडी है। इसे हम दही के साथ सर्व करेंगे। देखिए हमारी थाली पीट कितनी मुलायम है। खाइए और एंजॉय कीजिए।